तो कोशिश कीजिए, जो नियम लिया है उसे उस नियम को पूरा ही करना चाहिए। कई साधक होते हैं बिना नियम किए, ना तो बिना नियम किए माला किए पाठ किए जल चढ़ाए बिना कुछ खाते पीते नहीं, ये भी तो नियम है ना उनका, समय नहीं मिला। आश्रम में कई बार जब बापूजी बाहर थे सत्संग में ऐसा होता था भागम भाग भागम भाग, फिर भी साधक कहीं ना कहीं से अपने आश्रम वाले भाई नियम पूरा करके ही कुछ ना कुछ कैसे भी करके, अब सेवा है तो पहले सेवा करेंगे फिर उसके बाद नियम करेंगे। 12 बज गए कि 1 बज गए, अरे 1 बज तक अभी खाए नहीं कुछ, बोले नियम बाकी है, फिर भी उसकी माला बाकी है, तो रात को सेवा करके सोने से पहले माला का नियम पूरा करके फिर सोएगा, ठीक है। तो नियम यही है, आज का दिन आज ही करो। अब आज का दिन दूसरे दिन करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा, है फिर नियम कहाँ रहेगा, मन जो है कमज़ोर हो जाएगा। फिर कभी मन करेगा कि अरे ठीक है कल ही तो किए थे छोड़ो आज क्या है। ऐसे ही आश्रम आने के लिए भी ऐसे ही होता है, जो नियम से आश्रम आते हैं उनका नियम बंधा हुआ है। कई ऐसे सोचते हैं कि चलो अगले रविवार चले जाएंगे, तो जिसने अगले रविवार पे डाला वो फिर अगले रविवार भी ऐसा सोचेगा अगले रविवार चले जाएंगे। तो हर हफ्ते आते थे, महीने में एक बार हो गए, फिर 2 महीने में एक बार हो गए, फिर 6 महीने में एक, वैसे मन बड़ा दगाबाज है। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जू मद मा दो हाथी, सदगुरु हाथ सर धर सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती है। तो ये सदगुरु का नियम, ये अंकुश है। महावत जैसे अंकुश से ही हाथी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही नियम से बांधे हुए हमने, इतनी माला तो करना ही है, इतनी सेवा तो करनी है, इतनी साधना तो करनी है, ठीक है।